बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो हम रोना रोते हैं कि दुआएं मांग मांग कर थक गए, पूरी ही नहीं होती, तो आएं मैं आप हम सब कोशिश करें कि ज़िंदगी में झूठ बोलना छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे बात में असर और दुआओं में कबूलियत आती है। मुश्किल वक्त दुनिया का एक ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। है तो ये वाकई सच, मगर मेरी ये फिर भी दुआ है कि आप लोगों की इस जादूगर से कभी मुलाकात ना हो, कि अपने प्यारों अपनी चाहत के दावेदारों के बेनकाब चेहरे देखना दुनिया की बहुत बड़ी अज़ियत है। देर की माजरत सहर हूँ मैं, मुझको रस्ते में रात पड़ती है। हिम्मत और उम्मीद रखें कि हर अंधेरे के बाद सवेरा है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ख़ुद इरशाद फरमाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। दोस्तों, औरों से ज़्यादा ख़ुद को जानना सबसे बड़ा फ़न और मुश्किल काम है। अपने आप की हकीकत जानना चाहते हैं तो बस इस पर ध्यान दें, और जान रखो कि तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है, बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। नाज़रीन, ये बात है तो कड़वी मगर है सच कि हम में से बेशतर लोग तोहफ़ा इंसान की हैसियत देखकर उसे देते हैं, या यूँ कह लें कि उस इंसान से जो हमारा मतलब होता है उसकी नौयत के हिसाब से उसे देते हैं। आए देखें हमारे मुल्क की मायानाज मुसन्निफ़ा निमरा अहमद तोहफ़ों के बारे में क्या कहते हैं। वैसे मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ इस हद तक कि किताब के शौकीन को किताब मिले और फूलों के कदरदान को फूल। और सच बात तो ये है कि तोहफे से ज़्यादा तोहफ़ा देने वाला अहम होता है। जिसका दिया गया तोहफ़ा भले कीमती हो ना हो, पसंद का हो ना हो, सर आँखों पर रखा जाता है। तोहफ़ों की कीमत नहीं देखी जाती, उनके साथ जुड़ी फीलिंग्स देखी जाती हैं। हमें खुदा से मोहब्बत नहीं सिखाई गई, जन्नत का लालच और आग की गहराई बताई गई। नाज़रीन, इस बात को पढ़ते ही मेरे जहन में राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त की मशहूर वलिया थीं, उनका वाक़या जहन में उभर आया कि लोगों ने उन्हें देखा कि उनके एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी का बर्तन है। लोगों के पूछने पर उन्होंने बताया कि ये पानी दोज़ख की आग को बुझाने के लिए है और आग जन्नत को लगाने के लिए, कि लोग दोज़ख के डर और जन्नत के लालच में अल्लाह की इबादत ना करें, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत की खातिर अल्लाह से मोहब्बत की खातिर उसकी इबादत करें। काश कोई हमारे ज़माने में भी लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए आग और पानी लेकर निकल खड़ा हो। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। और ऐसे ही मौके पर कहा जाता है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। न जाने कैसे लोगों से पड़ गया है वास्ता, ज़िक्र खुदा तो करते हैं खौफ खुदा नहीं करते। दोस्तों, ये तो हमारे ही माशरे का ज़िक्र लग रहा है। सुनी सुनी सी दास्तां, समात अच्छी हो तो खामोशी आवाज़ से ज़्यादा सुनाई देती है। नाज़रीन, क्या आपने सुनी कभी किसी के खामोशी में छुपी गुफ्तगू? नहीं तो अब ध्यान दीजिएगा, अपने आसपास अपने प्यारों की खामोशी में छुपी उदासी, खफगी, परेशानी, और सुनकर उसका मदावा भी करने की कोशिश कीजिएगा। ज़िंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। ज़िंदगी नाम ही रास्तों का है, चलते रहें अपनी मंजिल की ओर, अपनी मंजिल की तरफ। वाकई कुछ रास्ते सब्र से काटे जाते हैं और कुछ रास्तों पर चलते हुए सबक भी हासिल होते हैं, जो उस वक्त फ़ायदेमंद होते हैं जब उन्हें याद रखा जाए। लोगों को तब फ़र्क पड़ना शुरू होता है जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ये अच्छी तरकीब है लोगों को चौंकाने की कि आप चौंकना, हैरान होना, परेशान होना छोड़ दें। आपकी इस टेंशन फ्री कैफियत से लोगों ने टेंशन में आ जाना है। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मज़बूत लोग माफ़ कर देते हैं,
ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اپنی ذہانت دکھائیں، ورنہ مضبوطی دکھائیں، کمزور نہ بنیں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس ان کے لیے ہی ہے، اور اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ شکر ہے ڈاکٹر یہ نہیں کہتے، بھائی کھلے پیسے نہیں ہیں، کہو تو ایک آپریشن اور کر دوں۔ واقعی یہ تو ہزارہا بار شکر پڑھنے والی بات بنتی ہے، ورنہ تو اسے پڑھ کر گروسری سٹور سے ملنے والی ٹافیاں یاد آ گئی تھیں۔ ہمارا معاشرہ، عملی کام کرنے والے، باتیں کرنے والے، تنقید کرنے والے، دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں لوگوں کے کام اور ان کا رجحان۔ یہ خاص طور پر ہماری نیو جنریشن کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں، ہمیں تو کہیں کامیابی ملتی ہی نہیں۔ تو جناب، کامیابی حاصل کرنے کا فارمولا تو یہ ہے کہ کامیابی کبھی بستر پر پڑے رہنے سے نہیں ملتی۔ ترقی چاہیے تو پہلے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر خود کو چیلنجز میں ڈالنا پڑے گا، تو پھر تیار ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے، تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ کاش ہم اتنے پر امید بن جائیں۔ آمین سم آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اور اس بابرکت مہینے کی دعاؤں میں مجھنا چیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔